पठान मूवी की शूटिंग जो मैं जो पठान मैंने बिल्कुल भी नहीं सोने दिया चल रहा है गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं अजमेर शरीफ। तो गाइज सबसे पहले हम निज़ामुद्दीन दरगाह पर होकर आ चुके थे पहले ही, और घर से हम बहुत ज़्यादा लेट निकला था मैं, तो उससे पहले हम आगे दरगाह कर ली। अब हम आ चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो गाइज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हम लोग आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं चार जने, सलमान भाई और रहमान और फरहान, हम चार लोग जा रहे हैं। गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। मेरे फ़ोन में तो बैटरी थोड़ी कम है इसलिए मैं ब्लॉग थोड़ा कम शूट करूंगा। तो गाइस अब जल्दी से सीधा ट्रेन पकड़ते हैं और अजमेर चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं बाहर और इन लोगों ने लिए रात के टाइम समोसे। पैसा दिख गया बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं रहमान भाई। तो भाई मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी हम स्टेशन पर उतरे हैं। कोई गांधीपुर स्टेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा कहीं पे भी, और 1:30 बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ट्रेन से ट्रैवल करने में जो मज़ा है ना यार, कसम से नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है बिल्कुल। अब जस्ट स्टार्ट कब जाते हैं, पहुँचेंगे वहाँ पर जो है अजमेर सुबह 6 बजे। रहमान भाई क्या चल रहा है? रहमान के तुल्य समोसे मेरे को भी मिले हैं यार, ऐसी बात नहीं है, 3 मिले हैं। समोसे खाकर अंदर चलते हैं और सुबह के टाइम अजमेर में मिलते हैं डायरेक्ट। तो फाइनली गाइस पूरे 7 घंटे की मशक्कत के बाद हम लोग आ चुके हैं अजमेर शरीफ और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ट्रेन में लोगों ने सोने नहीं दिया बिल्कुल भी, खास करके बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। फरहान भाई का एक छोटा सा बैग वो भी इसका है, ये इसका, बाकी एक अपनी ट्रॉली। पहुँच चुके हैं अब जस्ट चलिए चलते हैं दरगाह शरीफ के लिए। इधर साइड में भाई, इस साइड से 6 नंबर से जल्दी से भाई दरगाह शरीफ पहुँचते हैं। और दरगाह शरीफ पहुँचने के बाद पहले होटल लेते हैं और फ्रेश व्रेश होंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर आपको मिलते हैं। फाइनली पहुँच गए ई रिक्शा के अंदर और अब हम लोग जा रहे हैं होटल लेने के लिए। होटल लेने के बाद सबसे पहले होटल में विजिट करते हैं, चेकअप करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नाश्ता करने आएंगे। नाश्ता करने के बाद फिर देखेंगे क्या करना है आगे का। आगे यहाँ की गलियाँ कुछ ऐसी है। हाँ भाई चेक इन करेंगे भाई, चेक इन। अरे भाई लड़ो कम बंद करो। अच्छा जी जो भी है जल्दी से होटल लेते हैं चेक इन। अरे हाँ भाई जो बोल रहे हो आप वो सही है, पैसे देंगे अंदर जाएंगे बस। हाँ पैसे देंगे पैसे। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं अजमेर शरीफ और हमने ले लिया अपना होटल। होटल दिखाता आप लोगों को, कितना बड़ा होटल, कितना बड़ा होटल लिया यार। अरे होटल दिखाता गाइस आप लोगों को, ये है हमारा होटल 1 BHK का। जस्ट हमें मिला है कूलर एक काफी पठान मूवी की शूटिंग जो पठान। अच्छा 1000 रुपए पर डे में मिला है गाइस, काफी छोटा रूम और बहुत ज्यादा महंगे कर रखे हैं इस टाइम पे। एफ लिखा हुआ है देखो, एफ मतलब रूम तो मिल गया। बस हम लोग यहाँ पर एडजस्ट होना, जैसे भी है ये डबल साइड बेड है इस पर एडजस्ट होना। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं, हमने रूम ले लिया यहाँ पे आने का, हमें 1000 रुपये में रूम मिला है। हम 2 दिन रुकेंगे तो 2000 रुपये में हमारा रूम हो गया 2 दिन के लिए। कल शाम तो असर की नमाज के बाद, मतलब कि जुमे की नमाज पढ़ के असर की नमाज पढ़ के हम लोग यहाँ से वापसी के घर के लिए निकलेंगे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि नाश्ता वास्ता कर लें, और भाई रुक जाओ हम पहले नाश्ता कर लें और नाश्ता करने के बाद फिर दोबारा आएंगे होटल में, नहाएंगे धोएंगे और सबसे पहले जाएंगे हम लोग दरगाह। फिर दरगाह से आने के बाद सोचेंगे ताड़ागढ़ पर जाने की, अगर हिम्मत बची तो, वरना हम ताड़ागढ़ पर जाएंगे कल। ठीक है तो ताड़ागढ़ पर जाएंगे कल। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने के, सबसे पहले बहुत ज़्यादा भूख लग रही है पूरी रात में ट्रेन में, वही कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स वगैरह खा खा के बचे हुए तब तक हम। अब हम चलते हैं जल्दी से ताड़ागढ़ के लिए। तो जल्दी आइए, ओ सॉरी ताड़ागढ़ के लिए नाश्ता करने के लिए। ताड़ागढ़ भाई ताड़ागढ़। तो एक बात था रहमान, हम लोगों को उससे जाना चाहिए, वो क्या नाम है, कार जाती है ना ओमनी वगैरह, ओमनी से या फिर पैदल जाना चाहिए भाई? हेलीकॉप्टर से ज्यादा मजा आएगा ना, एंजॉय करते हुए जाएंगे है नहीं? तो हम लोग जाएंगे पैदल। तो आप सबसे पहले चलो नाश्ता करते पहले। तो गाइस हमें लेकर आ गए रहमान भाई खिलाने के लिए पूड़ी दाल। एक प्लेट में चार लोग भाई, पहले ट्राई करते हैं क्या टेस्ट है, पहले ट्राई करते कैसा है, फिर इसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं भाई। क्या एक्सपीरियंस रहा इसका? भाई मैं तो खा चुका हूँ पहले भी भाई साहब, बहुत ज्यादा मस्त है। जैसे हम लोग सोच रहे थे ना कि ये लोकल एरिया का खाओ या वेस्ट जगह का खाओ तो अच्छा नहीं था, कसम से भाई बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मैं और मंगवा ली दोबारा से और खाएंगे। अभी सिर्फ 1 प्लेट ले ली, अब 3 प्लेट और ले ली
अभी नहीं और खाते हैं, बट बहुत मस्त है इसका एक्सपीरियंस। आप आना यहाँ पे और एक बार ट्राई जरूर करना। पूड़ी खाते हैं चलो। अरे भाई गरीब रहने दे। चलो भाई पूड़ी खाते हम लोग यहाँ पे आए थे एक प्लेट खाने। कितनी प्लेट खा ली? सात प्लेट खा चुके हैं अब। चलो एक प्लेट खाने बहुत ज़्यादा बेस्ट। ये मंदिर के पास में, जैसे यहाँ पे एक मंदिर है इसके पास में, उधर गली से एंटर हो करने के पास सामने है जस्ट। दाल चाटनी दाल चाटनी मज़ा आ गया खाकर। अब चाय पीते चलो। फाइनली गाइस एक चीज़ की कमी थी, चाय की, और वो भी पूरी हो गई। चाय भी हमने लिए यहाँ से, वो जामा मस्जिद वाले स्टाइल में बनाते हैं बिल्कुल अलग तरीके से। जैसे पहले दूध वूध डालकर फिर बाद में पट्टी डालकर। ओ भाई स्नैप स्नैप पहले बनानी भाई को। चाय बड़ी बेहतरीन है भाई कसम से, मजा आ गया। आगे मिलते हैं। गाइस आ चुके नाश्ता करके, और ये लोग बैठे रूम के अंदर, या तो रूम खाली रख रहा है इसमें बैठूंगा। गाइस नाश्ता करके उसमें बैठोगे, उसमें सोएंगे, इसमें ना नहा धो लो अपना। अब नहा धो के अपना फ्रेश होकर न्यू वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग जुड़ना। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए अलविदा, और अगला ब्लॉग जरूर देखना इसका नेक्स्ट पार्ट। आइए तब तक के लिए अलविदा।